हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और सीसेट पेपर टू के आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। यस, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीसेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो सीसेट के अंदर जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस पे, उन्हीं को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आज की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए सभी जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर देंगे, क्योंकि हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो करें स्टार्ट। यस, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। यस, फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए क्या है। यस, क्या है? ए थीफ इज नोटिस्ड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। ओके, द थीफ स्टार्ट्स रनिंग एंड द पुलिसमैन चेजेस हिम। द थीफ एंड द पुलिसमैन रन एट द रेट ऑफ 10 किलोमीटर एंड 11 किलोमीटर पर आर रेस्पेक्टिवली। वट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दैम आफ्टर 6 मिनट्स? 6 मिनट्स के बाद में दोनों में क्या डिस्टेंस है? दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन आई होप सभी को क्लियर है। एक चोर है, यस, और एक पुलिस है। दिस इज द थेफ्ट एंड दिस इज द पुलिस एंड दिस डिस्टेंस इज 200 मीटर। ओके, अब देखो, जब आपके पास में दो ऑब्जेक्ट मूविंग पोजिशन में होते हैं, तो उस केस में जो स्पीड होती है, स्पीड कौन सी लेते हैं हम? रिलेटिव स्पीड लेते हैं। ठीक है, रिलेटिव स्पीड से डिस्टेंस कवर होगा, क्योंकि देखो वो भी बंदा भाग रहा है, ठीक है, थेफ जो है वो भी भाग रहा है, पुलिस भी भाग रहा है, तो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना कवर करेंगे वो? कितना डिस्टेंस कवर करेंगे? ये जो बीच में जो डिस्टेंस है उसका कितना हिस्सा कवर करेंगे? दोनों के डिफरेंस के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पीड है, स्पीड अपने पास में क्या लोगे आप? यस, जो रिलेटिव स्पीड लेंगे आप। डन, कौन सी स्पीड लेंगे? रिलेटिव स्पीड लेंगे। अब यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड है वो कितनी हो जाएगी? दोनों सेम डायरेक्शन में, दैट मीन्स की स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। अगर दोनों सेम ऑपोजिट डायरेक्शन में होते तो स्पीड क्या हो जाती है आपकी? प्लस हो जाती है। यहाँ पे क्या है? सेम डायरेक्शन में भाग रहे, एक की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आर। यस, जो ये है इसकी है 10 किलोमीटर पर आर और इसकी स्पीड है 11 किलोमीटर पर आर। ओके, अब देखो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या होगी? 1 किलोमीटर पर आर होगी। कितनी होगी? 1 किलोमीटर पर आर। क्या किया हमने? दोनों का डिफरेंस निकाल दिया। अगर इसी को मैंने मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है, तो मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 5/18। ठीक है, क्या आ गया ये अपने पास? मीटर पर सेकंड। देन नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट कि 6 मिनट्स के बाद में, 6 मिनट्स के बाद में दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? तो अब हम ये देखते हैं कि 6 मिनट्स के अंदर टोटल कितना डिस्टेंस कवर हो गया। तो 6 मिनट्स के अंदर कितना डिस्टेंस कवर हो गया? 5/18 × 6। अब ये मिनट में है, इसको सेकेंड में कन्वर्ट करोगे, दैट मीन्स की 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 100 मीटर का डिस्टेंस उन्होंने कवर कर लिया। अब टू आफ्टर 6 मिनट्स वो कहाँ पे है? एक तरह से हाफ डिस्टेंस उन्होंने कवर कर लिया। दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस रह गया? 100 मीटर का डिस्टेंस रह गया। दैट मीन्स आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ऑप्शन फर्स्ट, 100 मीटर विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, अब यहीं पर अगर क्वेश्चन होता कि हाँ जी कितनी देर बाद, हाँ जी क्वेश्चन अब ये भी आ सकता है, कितनी देर बाद पुलिस कैच कर लेगी किसको? थेफ्ट को। तो उस केस के अंदर क्या आ जाएगा आपके पास में? टाइम फाइंड आउट करना होगा। तो टाइम कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? यस, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो यहाँ पे अगर हम टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल स्पीड अगर क्वेश्चन आ जाता है कितने देर के बाद में उसको पकड़ लेगा, तो यहाँ पे देखो क्या है आपके पास में? स्पीड है 5/18। क्या है? 5/18 सेकेंड है। सेकेंड को जब मिनट में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे आपके पास में क्या करोगे? डिवाइडेड बाय 60। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपके पास 6 × 18 और 5 × 20, दैट मीन्स 12 मिनट्स के बाद वो उसको पकड़ लेगा। सिंपल सी बात है। अब यहाँ से आप दोनों तरीके से कह सकते हो कि 12 मिनट के बाद वो उसको पकड़ लेगा, टोटल डिस्टेंस है 200 मीटर। ठीक है, तो 6 मिनट के बाद में कितना डिस्टेंस रहेगा दोनों के बीच में? हाफ रहेगा, दैट मीन्स की 100 मीटर। यहाँ से भी क्लियर है। वहां से अगर हम देखें तो 6 मिनट के अंदर कितना डिस्टेंस कवर हो गया? 100 मीटर डिस्टेंस कवर हो गया। बच गया कितना? 100 मीटर। दैट मींस कि यहां से भी सेम आंसर आ गया। क्लियर? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन पुलिसमैन का क्वेश्चन है। क्या है? ए पुलिसमैन सीज ए चेन स्नैचर एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये कितना है? 50 मीटर है। ही इज द चेन स्नैचर। यस, चेन स्नैचर है और ये अपने पास पुलिसमैन। देन अब है आप
आपके पास ही स्टार्टेड चेंजिंग द चेन्स नेचर हु इज रनिंग विद ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. किस स्पीड से भाग रहा है वो? 2 मीटर पर सेकेंड. व्हाइल द पुलिसमैन चेजिंग हिम विद ए स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड. ये किस स्पीड से जा रहा है? 4 मीटर पर सेकेंड से. ओके यस. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द पुलिसमैन टू कॉट द स्नेचर. स्नेचर को कितनी देर में वो पकड़ लेगा? तो अभी मैंने आपको बताया टाइम कैसे फाइंड आउट करेंगे. टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द रिलेटिव स्पीड. ओके तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे अपने पास में टाइम क्या आ जाएगा? टोटल डिस्टेंस इज 50 मीटर. और आपके पास स्पीड क्या हो जाएगी? यस, रिलेटिव स्पीड यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगी? 4 - 2 दैट मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड. क्लियर? दैट मीन्स की डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया आपके पास? 25 सेकेंड्स. दैट मीन्स 25 सेकेंड्स के बाद में वो उसको पकड़ लेगा. ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 25 सेकेंड्स. ओके यस, कोई डाउट इसके अंदर? क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे क्या है. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे. टू बाइक राइडर राइड इन अपोजिट डायरेक्शन. देखिए अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक. एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है. यहाँ से एक जा रहा है इस डायरेक्शन के अंदर और दूसरा मूव कर रहा है इस डायरेक्शन के अंदर. क्लियर? नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट कि बाइकर ए राइड्स एट ए स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर. जो ए है वो किस स्पीड से जा रहा है? 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है. ओके और जो बी है, बी किस स्पीड से जा रहा है? 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है. डन. इफ द ट्रैक हैज डायमीटर ऑफ 40 किलोमीटर, आफ्टर हाउ मच टाइम विल टू बाइक्स मीट. दोनों बाइक्स कब मिल जाएंगी? दिस इज द क्वेश्चन. अब देखो यहाँ पे. हाँ जी, सभी ने ध्यान से देखना है. यहाँ पे देखिए जो रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड हमें पता चल गई क्या हो जाएगी. हाँ जी, दिस विल बी 30 किलोमीटर पर आवर. क्यों किया 30 किलोमीटर पर आवर? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है और अपोजिट डायरेक्शन के अंदर स्पीड क्या हो जाएगी आपकी? ऐड हो जाएगी. ठीक है, तो ऐड अप होगी रिलेटिव स्पीड. अब टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम के लिए मुझे क्या चाहिए? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड ना. अब डिस्टेंस तो मेरे पास है ही नहीं कि ये टोटल डिस्टेंस कितना है. तो यहाँ पे देखो कि इसका अगर मुझे टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स कि मुझे क्या चाहिए? इसकी सरकमफ्रेंस चाहिए. ठीक है, और डायमीटर हमारे पास गिवन है. डायमीटर है 40 किलोमीटर. That means कि रेडियस कितना आ गया आपके पास में? 20 किलोमीटर. अगर हम सर्कमफ्रेंस की बात करें, डिस्टेंस की बात करें यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा? 2πr. 2πr. ओके, कितना आ गया? 2πr आ गया. That means ये वैल्यू क्या हो गया आपके पास में? यस, ये हो गया आपके पास 880/7. ओके, दिस इज द डिस्टेंस. अब यहाँ पे डिस्टेंस हमें पता है, रिलेटिव स्पीड हमें पता है. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे? हाँ जी, क्या फाइंड आउट करना है आपको? टाइम फाइंड आउट करना है. तो टाइम कितना आ जाएगा आपके पास? यस, टाइम क्या आ जाएगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड. ओके, यहाँ से अपने पास वैल्यू क्या आ गई? 88/21. क्लियर? अब यहाँ पे देखो, आप इसको आप सोल्व करोगे, ये आ जाएगा 21 * 84 = 1.8. दैट मीन्स कब मीट करेंगे? 4.18 आवर के बाद में. क्लियर? हाँ जी, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है कर लेंगे. यस, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है कर लेंगे आप. ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप है कि हाँ जी कब मिलेंगे वो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. सबसे पहले जो रिलेटिव स्पीड है ना, उसका कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए. रिलेटिव स्पीड का आपका कंसेप्ट अगर क्लियर है, देन यू कैन डू इट इजीली. नेक्स्ट देखिए, द स्पीड ऑफ द कार इज इंक्रीज्ड बाय 2 किलोमीटर आफ्टर एवरी 1 आवर. हर घंटे के बाद स्पीड कितनी बढ़ रही है? 2 किलोमीटर बढ़ रही है. इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट आवर वॉज 35 किलोमीटर, देन वट वॉज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 12 आवर्स. 12 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा? पहले आवर में कितना कर रहा है? 35. ठीक है, दूसरे आर में कितना करेगा? 37. ठीक है, हर बार 2-2 किलोमीटर बढ़ रहा है. दैट मीन्स कि फाइनली अपने पास में जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? जो लास्ट आर है उसमें कितना आ जाएगा? दैट मीन्स कि मुझे 12th आर की वैल्यू फाइंड आउट करने की. 12th आर में कितना करेगा? तो यहाँ पे देखो आप कि यहाँ पे आपकी AP नहीं बन रही. यस, सीरीज जो है वो AP की सीरीज नहीं बन रही है. देखो 35, 37 मीन्स डिफरेंस क्या आ रहा है? हर एक बार 2 का डिफरेंस आ रहा है.
अब आपको हर एक टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल देखो कि आपके पास जो ट्वेल्थ है, ट्वेल्थ टर्म आफ्टर ट्वेल्थ आर क्या हो जाएगा, क्या होता है आपके पास में, ए प्लस एन माइनस वन डी। तो एन माइनस वन दैट मीन्स ट्वेल्व माइनस वन इंटू टू, क्लियर, दैट मीन्स कितना हो गया 52, 57। तो लास्ट टर्म क्या आ जाएगी आपके पास, 57 आ जाएगी, क्लियर। हाँ जी, दैट मीन्स व्हाट, कि जो फर्स्ट आर है, फर्स्ट आर के अंदर उसने 35 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, सेकेंड आर के अंदर 37 डिस्टेंस किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, देन 39 का डिस्टेंस कवर किया, और फाइनली ट्वेल्थ आर के अंदर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 57 किलोमीटर का, ट्वेल्थ कह रही हूँ मैं, ठीक है। तो टोटल अपने पास में डिस्टेंस कितना हो गया, सभी को ऐड करना है। अब देखो अगर ऐसे ऐड करेंगे तो अगेन टाइम लगेगा, नए गलती के भी चांसेस हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि एपी है, और एपी का सम क्या होता है, सम ऑफ सीरीज क्या होता है हमारे पास में, यस, सम ऑफ सीरीज क्या होता है आपके पास में, एन बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। टोटल टर्म्स कितनी है, 12 बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है आपके पास 35 एंड लास्ट टर्म है आपके पास 57, ये कितना आ गया आपके पास 6, दैट मीन 6 इंटू 5 और 3 8 और 1 9, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 दुनी 12, 9 दुनी 18, यस ये हो गया 6 दुनी 12, 9 छिके 54 और 1 55, कितना आ गया 522। सो 552 विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी बताइए, कोई डाउट इसके अंदर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी के क्वेश्चन लॉजिकल होते हैं। अब देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिक क्या लग रहा है कि हर बार वो कह रहा है कि टू टू स्पीड ऐड हो रही है, टू टू स्पीड ऐड हो रही है, दैट मीन्स कि ट्वेल्थ आर तक उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 57। टोटल स्पीड पूछी उसने कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा, अब पहले घंटे में उसने 35 किया, स्पीड क्या होती है आपके पास, हाँ जी स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस कवर्ड इन वन आवर, अब 12 आवर के अंदर टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, हम सभी स्पीड्स को ऐड अप कर देंगे तो हमारे पास में टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, ओके, यस। नेक्स्ट देखिए, यस नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन ऑन, इसमें जो मेथड है नेक्स्ट वो क्या है, ए मैन ऑन टूर ट्रैवल फर्स्ट 160 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 64 किलोमीटर पर आर, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, दूसरा जो डिस्टेंस है वो भी कितना है, 160 किलोमीटर है एट 80 किलोमीटर पर आर, द एवरेज स्पीड ऑफ द फर्स्ट 320 किलोमीटर ऑफ द टूर इज, अब फर्स्ट 320 किलोमीटर के लिए आपको फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पे एक तो मेथड आपके पास ये है कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम आप फाइंड आउट करोगे, ओके, और दूसरा क्या है, हाँ जी दूसरा हमारे पास क्या है कि हम, अगर आपके पास में डिस्टेंस सेम है, यहाँ पे आप देखिए डिस्टेंस क्या है हमारे पास सेम है, टोटल डिस्टेंस अगर हमारे पास में गिवन है और वो आपके पास हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड है, ठीक है, उस केस के अंदर आप क्या करोगे, डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा सकते हो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, यस एवरेज स्पीड क्या होती है आपके पास में, 2ab डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ओके, क्या होगा 2ab प्लस डिवाइडेड बाय a प्लस बी। अब यहाँ पे देखो कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस डजंट मैटर, डिस्टेंस यहाँ पे कोई भी मायने नहीं रख रहा है, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। अब a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 64, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 80, एंड द सम ऑफ द a एंड b, ab का सम कितना हो गया 144, ओके, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, ओके, तो ये आ गया आपके पास, यस 832 दूरी चोट को 9 से करेंगे, वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे आपके पास में 9 7 63 71.11 किलोमीटर पर आवर, ओके। अब एक तो ये हो गया आपके पास डायरेक्टली, दूसरा क्या है कि हमें पता है कि एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। अब आप उससे करते हो तो आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, एक सिंपल सा ही आपने फॉर्मूला याद करना है, इसको आप कर लीजिएगा, ओके, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपके पास डिस्टेंस डिफरेंट है तो भी तो करना पड़ता। तो अगर आपके पास में डिस्टेंस गिवन है कुछ और आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंट डिस्टेंस गिवन है, सेम डिस्टेंस गिवन है, इसको आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। बट ये जो फॉर्मूला, ये हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे, जब सेम डिस्टेंस गिवन है, जैसे यहाँ पे 160 किलोमीटर 160 किलोमीटर है, ओके। तो एवरेज स्पीड कैसे फाइंड आउट करते हैं हम,
एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी आपके पास में, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है, 160 किलोमीटर, 160 किलोमीटर दैट मींस 320 किलोमीटर। ओके, और अगर हम टोटल टाइम की बात करें तो फर्स्ट टर्म के अंदर टोटल टाइम कितना आ गया, 160 डिवाइडेड बाय 64, 16 चौके 64, ये हो गया आपके पास में 5/2। ओके, और सेकंड टर्म के अंदर टाइम कितना आ गया, 160 डिवाइडेड बाय 80, 160 डिवाइडेड बाय 80 दैट मींस कितना आ गया 2, तो टोटल टाइम कितना हो गया हमारे पास 9/2 हो गया ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 9/2, 2 ऊपर चला जाएगा, कितनी आ गई वैल्यू अगेन 640/9 एंड दिस विल बी इक्वल टू 71. यस, अभी हमने कैलकुलेट किया था ना, सेम ही तो है वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 71.11 किलोमीटर पर। ओके, यस, बताइए कोई डाउट हो इसके अंदर। देखो बेटा छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर है इन दैट केस वेल एंड गुड, अगर नहीं तो स्पीड एंड डिस्टेंस का डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से अगर आपको वीडियो लेक्चर चाहिए आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए आप वीडियो लेक्चर्स ले सकते हो। ठीक है, आपको अगर स्टडी नोट्स की ज़रूरत है यू कैन टेक द स्टडी नोट्स। अगर आपके कॉन्सेप्ट आप लोगों को लगता है कि हाँ जी क्लियर है, सिर्फ मुझे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए, तो MCQs भी अवेलेबल है, यू कैन टेक द MCQs। ओके, यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए क्या है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए पर्सन गोज टू हिज ऑफिस एट 1/3 ऑफ हिज स्पीड एट विच ही रिटर्न फ्रॉम हिज ऑफिस। कह रहा है कि जहाँ पे जब वो ऑफिस जा रहा है तो उसकी स्पीड कितनी है, 1/3 है, किससे, जब वो वापस आ रहा है तो उससे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इफ द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल ट्रिप इज 12 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पर्सन व्हाइल ही वाज गोइंग टू ऑफिस, जब वो ऑफिस जा रहा है तब उसकी स्पीड क्या है। अब देखो यहाँ पे भी एवरेज स्पीड की बात हो रही है, अब एवरेज स्पीड आपकी गिवन है, और साथ में एक बात देखो, जो ऑफिस जा रहा है और ऑफिस से वापस आ रहा है, दैट मींस कि उसने डिस्टेंस तो दोनों केसेस में सेम ही कवर किया है ना, दोनों केसेस में डिस्टेंस सेम कवर किया है। जब डिस्टेंस सेम कवर किया है दैट मींस व्हाट, यस, अगर सेम डिस्टेंस कवर किया है इसका मतलब यहाँ पे क्या है आपके पास में कि आप जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया वही अप्लाई कर सकते हो, वही फॉर्मूला यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो देखो जब ऑफिस जा रहा है वो, ठीक है, तो हम सोच लेते हैं कि स्पीड कितनी है एक्स किलोमीटर पर, ठीक है, जब वापस आ रहा है तो वापसी में उसकी स्पीड कितनी है, 3x। डन, अब हम देखते हैं, अभी हमने किया था ना कि एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस b, ए बी क्या है, स्पीड है, ठीक है, डिफरेंट स्पीड है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x इंटू 3x डिवाइडेड बाई कितना हो गया, दोनों का एडिशन करेंगे दिस इज 4x एंड दिस इज इक्वल टू 12। ओके, x से x कैंसिल आउट हो गया आपके पास में, 6 से ही हो गया 2, दैट मीन्स कि x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 8 आ गई। ओके, दैट मीन्स कि जब वो ऑफिस जा रहा है उस टाइम पे उसकी स्पीड क्या है, 8 किलोमीटर पर आर, क्या है, 8 किलोमीटर पर आर। ओके, यस, क्लियर, किसी को कोई डाउट इसके अंदर, कोई भी अगर डाउट आता है यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, नेक्स्ट क्लास के अंदर आपका डाउट क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, शाबाश। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए क्या है। हाँ जी, जल्दी से रीड करिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, देखो। यस, क्वेश्चन है, ए मैन रीचेज हिज ऑफिस 20 मिनट्स लेट इफ ही वॉक फ्रॉम हिज होम 3 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज 30 मिनट्स अर्लियर इफ ही वॉक्स 4 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार इज हिज ऑफिस फ्रॉम हिज होम, उसका ऑफिस घर से कितनी दूर है। अब देखो यहाँ पे जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, लेट और अर्ली वाला, जब लेट और अर्ली का कंसेप्ट आ जाता है तो हमेशा ध्यान रखो। अब ये देखो यहाँ पे आपके पास में एक साइड गया, स्पीड क्या है, डिफरेंट स्पीड है, 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, जब वापस आया स्पीड क्या है आपके पास में एंड रीचेज 30 मिनट इफ ही वॉक्स 4 किलोमीटर, अगर वो 4 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है। यहाँ पे देखो अगेन क्या है आपके पास में,
सेम ही पर्सन है, सेम पोजीशन से दूसरी जगह पे जा रहा है, तो उसकी स्पीड कंसीडर कर रहे हैं हम, ठीक है। तो फर्स्ट केस के अंदर क्या कह रहा है कि अगर वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 20 मिनट लेट हो जाता है, ठीक। अब दूसरे दिन उसने क्या किया कि चलो स्पीड अब मैं अपनी थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, उसने क्या किया 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू कर दिया, और जब वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो उस केस के अंदर वो 30 मिनट अर्ली पहुंच गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है 20 मिनट लेट है, ओके यस 20 मिनट लेट है। अभी देखो यहाँ पे इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको जो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस आप कैसे फाइंड आउट करोगे, डिस्टेंस क्या होता है हमेशा स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइडेड बाई डिफरेंस ऑफ द स्पीड्स इंटू डिफरेंस इन टाइम, ओके डिफरेंस इन टाइम, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास में, स्पीड 1 क्या है 3 किलोमीटर, स्पीड 2 क्या है 4, डिफरेंस अगर हम दोनों का निकालते हैं तो डिफरेंस कितना आ जाएगा आपके पास में 1 किलोमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 1 इंटू, अगर हम टाइम डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ पे क्या है 20 मिनट्स लेट, यहाँ पे क्या है 30 मिनट्स अर्लियर, दैट मीन्स कि टोटल डिफरेंस कितना आ गया, यस टोटल डिफरेंस कितना आ गया आपके पास 50 मिनट्स का डिफरेंस आ गया। तो क्या करोगे 50/60, इसको हम सॉल्व करेंगे अपना आंसर आ जाएगा, ये देखिए कितना आ गया आपके पास में 10 किलोमीटर, ओके सो 10 किलोमीटर विल बी द करेक्ट आंसर, ओके यस। सो अभी आज की क्लास के अंदर हम इतना ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ और क्वेश्चन आप लोगों के साथ में स्पीड एंड डिस्टेंस और प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, ट्रेन्स पे बेस्ड जो स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन है उनको हम डिस्कवर करेंगे, ओके सो इट वॉज ऑल फॉर टूडे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।